अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। आखिर सलीम शहजाद को किस जुर्म की सजा मिली? क्या पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क हो गया है जर्नलिस्ट के लिए जितना के कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है? नाजरीन, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जियाउद्दीन साहब, ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे अपने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, गए हुए हैं पीटीवी थोड़ी देर के लिए, सीनियर एनालिस्ट हैं, और साथ उनके तशरीफ रखते हैं हामिद मीर साहब, एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जियो में प्रोग्राम करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। हामिद, पाकिस्तान इतना ही खतरनाक है जर्नलिस्ट के लिए जितना सीपीजे कह रही है? जितना सीपीजे कह रही है पाकिस्तान, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जर्नलिस्ट के लिए। और पिछले साल कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी कहा था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी कहा था कि पाकिस्तान दुनिया में मीडिया के लिए खतरनाक तरीन मुल्क है। अब नसीम ज़रा साहब, आप भी ऐनी शाहिद हैं बहुत से वाक़ियात की। हमें काफ़ी साल हो गए हैं हम इस इस्लामाबाद की शरह दस्तूर पर अपने सहाफ़ी साथियों के कत्ल पर और उनके अगवा पर मुजाहरे करते करते काफ़ी अरसा गुजर गया है। आज तक कभी किसी का हमें सुराग नहीं मिला, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। और हम मीडिया वाले हमारे लिए बड़े शर्म का मुकाम है कि हम बहुत अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं और दुनिया जो है वो हमसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करती है। और हम में से कुछ हमारे साथी समझते हैं कि हम किंग मेकर्स हैं, हम हुकूमतें गिराते हैं, हम हुकूमतें बनाते हैं, लेकिन जब हमारा ही कोई साथी हम में से अचानक गायब हो जाता है, अगवा हो जाता है या कत्ल हो जाता है, तो बेबसी का एक आलम है। हम इस वक्त आलम बेचारगी और आलम बेबसी में बैठे हुए हैं। हमें यह नहीं पता चला कि हयातुल्ला खान जो है उसके कातिल कौन है, हालांकि हमें पता है, लेकिन जो कमीशन बना उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। और हमें यह नहीं पता कि उमर चीमा साहब अभी चंद महीने पहले अगवा हुए थे, कमीशन बना, इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट सामने नहीं आई। फेसबुक पे उन्होंने कुछ कहा। नाज़रीन, सलीम शहजाद के हवाले से इससे पहले कि हम गुफ्तगू जारी रखें, हमने एक पैकेज बनाया याद दहानी के लिए सबके लिए कि सलीम शहजाद जो हमारे दोस्त थे, हमारे कॉलीग थे, उनके साथ हुआ क्या? 29 मई 2011 की शाम को इस्लामाबाद के इलाके F6 से नामवर सहाफी सैयद सलीम शहजाद एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आते हुए लापता हो गए। दो दिन लापता रहने के बाद 31 मई के रोज उनकी गाड़ी इस्लामाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर सराय आलमगीर से मिली, जबकि मरहूम की लाश मंडी भाउद्दीन हेड रसूल नहर से बरामद हुई, जिसे अमानतन दफना दिया गया और अगले रोज वर्सा ने तस्वीर की मदद से शनाख्त की, जिसके बाद मरहूम की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के सपोर्ट कर दी गई और अगले रोज कराची में उनकी तदफीन की गई। बसा बसाया घर उजड़ गया। जी, उनके दो बेटे हैं और एक बेटी है, और सबसे बड़े बेटे 13 साल के हैं, बेटी 10 साल की है और सबसे छोटा बेटा 7 साल का। सैयद सलीम शहजाद गुज़िश्ता 10 बरसों से एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट एशिया टाइम्स के पाकिस्तान ब्यूरो चीफ थे। वो वॉर ऑन टेरर, तालिबानाइजेशन और अलकायदा जैसे इश्यूज पर मुकम्मल महारत रखते थे। हाल ही में 27 मई को उनका एक आर्टिकल छपा था, जिसमें उन्होंने 22 मई को PNS मेहरान बेस पर होने वाले हमले के बारे में कुछ इंकशाफात किए थे। कहा जा रहा है कि इनके कत्ल की एक वजह इसी आर्टिकल का छपना था। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम से मुंसलिक अली दयान का कहना है कि सलीम शहजाद ने अक्टूबर 2010 को उन्हें ईमेल में अपनी जान को लाहक खतरात से आगाह किया था। सलीम शहजाद ने सराजुद्दीन हक्कानी, इलियास कश्मीरी समेत दीगर अलकायदा लीडरों के इंटरव्यू किए और उन्हें नवंबर 2006 में अफगानिस्तान में तालिबान ने अगवा भी किया। पाकिस्तान में फर्ज की अदायगी करते हुए दर्जनों सहाफी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक बैनुल अक्वामी सहाफती तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सहाफत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क बन चुका है। यहाँ कुछ सवालात उठते हैं कि आखिर सलीम शहजाद की दो रोज तक गुमशुदगी का नोटिस रियासती इदारों ने क्यों नहीं लिया? ना किसी हुकूमती अहदेदार ने इनके अहले खाना से बात की और ना ही इस्लामाबाद शहर की नाकाबंदी की गई। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कॉल आई, ना कोई किसी ने पूछा, किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। तश्वीशनाक बात यह है कि वो F8 से F6 की तरफ आते हुए इंतहाई हसास इलाके से लापता हुए। क्या ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं कि एक जमहूरी मुल्क में खुल्लम खुल्ला कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाए?
और सहाफियों को सच से पर्दा उठाने के लिए जान तक की कीमत अदा करनी पड़े। नाज़रीन, ये याद रहे कि सलीम शहजाद का जो सफ़र था वो इस्लामाबाद के अंदर ही था। वो F8 से F6 आ रहे थे। 5:30 बजे वो घर से निकले हैं और 5:40-5:42 पर वो गायब हो गए हैं। मोईद, ये बताएं कि ये हामिद ने भी बात की सलीम शहजाद के हवाले से और ये कह रहे हैं बेबसी का एक जो है आलम है जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में, तो क्या यकीनन एक बेबसी का आलम है जब इस तरह का आप देखते हैं वाकया अपने कॉलीग के साथ होते हुए? देखिए, 4 एस्पेक्ट्स हैं इस मर्डर के। पहला एस्पेक्ट वो पर्सनल ट्रेजेडी है। सलीम शहजाद के 3 बच्चे हैं, उसकी एक बेवा है, वो पूरा खानदान जो है वो उजड़ गया है। बहुत छोटे बच्चे, हैं। कोई वो ज़ाहिर जर्नलिस्ट है, कोई ऐसे ज़राए नहीं है पीछे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, दूसरा इसका एस्पेक्ट यह है कि पाकिस्तान की जो सहाफी कम्युनिटी है, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, स्पेशली जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, असल में उनका उसके लिए जो ट्रूथ के साथ डील करता है, जो ओरिजिनल स्टोरी ओरिजिनल मैटर के साथ डील करता है, ये कमेंटेटर का मसला नहीं है, ये एंकर पर्सन का मसला नहीं। बेशक ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो जो सारी कम्युनिटी है, उसके लिए एक खौफ और हरास की लहर दौड़ गई है कि अगर आप F84 से, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान का और क्या सेंटर जगह होगा, महफूज तरीन जगह क्या होगी, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड अर्बन एरिया क्या होगा, कि वहाँ से F8 से F6 तक जाते हैं, आप अगवा होते हैं, आप मर्डर हो जाते हैं और जू नहीं रिंग रही यहाँ पे किसी के ऊपर, जू नहीं रिंग रही है, कुछ नहीं निकल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो रही, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, खौफ की एक लहर दौड़ गई। तीसरा इसका आस्पेक्ट यह है कि खाली जर्नलिस्ट की बात नहीं है, पाकिस्तान का जो कॉमन सिटीजन है उसको क्या प्रोटेक्शन हासिल है? अगर प्रोटेक्शन कैसे हासिल होती है, कहते हैं कि शिट कैन हैपन एनीवेयर, कुछ भी कहीं हो सकता है, लेकिन रियासतें इंश्योर करती हैं कि जब कोई डिजास्टर होता है तो उसका फिर रिजल्ट निकलता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। यहाँ कोई कमिटमेंट शो नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन करने, तो ये तीसरा पहलू है। चौथा इसका पहलू जो है ना, वो चौथा पहलू बड़ा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं करेक्शन कर दूं थोड़ी तीसरे पहलू के हवाले से, क्योंकि अभी हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट लाहौर के एक जज से इन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने कि वो एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि वो एक जो हाँ कमीशन बनाए, तो फिर सहाफी जो थे PFUJ ने उसको रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने ये कहा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और के जो जज हैं वो बनाए, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मुल्तान गए, जब वापस आएंगे तो मंडे को इस पर डिसीजन लेंगे। सो दिस इज द स्टेट। मेरा तासुर नसीम ये था कि मेरी फीलिंग ये है कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसके के मानाखेज नतीजे निकल सके, जिसके कोई बिलीव कर सके। लेकिन जो चौथा इसका एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, जिसको मैं चाहता हूं कि आई वांट टू फील प्राइड ऑन दैट, मैं चाहता हूं, मुझे कोई ये शर्म नहीं है कहते हुए कि आई एम प्रो एस्टैब्लिशमेंट या प्रो मिलिट्री। मैं बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान ठीक है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होगा, रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड दिस रीजन। तो मुझे इस चीज का बड़ा खौफ है कि हमारी जो सबसे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसका रोब होना चाहिए, उसे मर्डर जैसे पेटी क्राइम के साथ दुनिया भर के जराए ब्लॉग और मीडिया कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, और चूंकि मैं इंटरनेट पे ब्लॉग रन करता हूं अपना, फेसबुक पे, मुझे पता है कि हजारों पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल क्लासेस में भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, जो इंजीनियर्स भी हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो मशरक़ वुस्ता में रह रहे हैं, कि वो सब इस पे यकीन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। जी साहब, ये बहुत सी बातें इन्होंने मोहित ने कही, लेकिन इससे पहले कि हम इनके जो इशूज इन्होंने रेज किए उस पर बात करें, ये बताइए कि आप तो उन सहाफियों में से हैं जो कि जिन्होंने पिछले 40 साल से तो सहाफत 45 साल से देखी है, और ये जो वाकया हुआ है ये तो बिल्कुल एक दिल हिला देने वाला है। इंसान एक तरफ खौफ की लहर, दूसरे दिल फटता है खौफजदा है। बहुत से सहाफी मेरे ख्याल से आज बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं इस वाक़े के बाद। यानी मैंने तो बहुत देखे हैं इस किस्म के वाक़यात होते हुए, अभी आमिर मीर ने भी जिक्र किया कि हम अक्सर इस किस्म के वाक़यात पे हम सड़कों पे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हमने किया, लेकिन हम पहुंच नहीं सके इसके मतलब मालूम करने में कि भाई आखिर ये क्यों होता है। जहाँ तक सहाफ़ियों का ताल्लुक है, सहाफ़ी का काम यही है कि खबर लाना। यानी अब तो मुझे डर ही होने लगा है कि मैं अपने रिपोर्टर से क्या कहूँ कि फर्दर डिग करो तुम, अगर वो फर्दर डिग करेगा तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। यानी ये एक डॉन ने फैसला किया ना, ये जफर अब्बास साहब ने, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने फैसला किया कि हम तो ये सोच रहे हैं रिवाइज करें किस हद तक हमने अपने रिपोर्टर को एक्सपोज करना। लेकिन थोड़ा सा नाज़रीन के लिए ज़्यादा साहब ये आप क्लैरिफाई अगर कर दें कि किस नौयत की रिपोर्टिंग में खतरा लाहक है, क्योंकि आप अगर देखिए इस वक्त हम हालत जंग में,
सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना है इसी जंग पे करना है, क्योंकि यानी हमारी सारी जो जिंदगी है इस जंग की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो सारा मीडिया इसी पर फोकस करेगा और इसी को डिग करने की कोशिश करेगा, भाई आखिर हो क्या रहा है। यानी अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर्स ने पाकिस्तान के कोई बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया है तो ये हुआ कैसे, ये तो इसको अगर हम कोशिश करें इसको मालूम करने की तो हम बहुत से रेड लाइंस क्रॉस करेंगे। और ये रेड लाइंस जो हैं ये हमें नहीं पता कि कौन से रेड लाइंस हैं, ये तो उन्हें पता है जो इन रेड लाइंस को गार्ड कर रहे हैं, तो वो हमें बताएं तो क्या, अगर जैसे कि मुहीद ने कहा कि फिर हमें बताएं तो क्या करना क्या है। ये इन्हें इन्होंने कोई कभी भी हमें कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी जिससे ये हमें पता चले कि स्टेट की माइंड सेट क्या है। इन्हें जब कोई बहुत बड़ा वाकया होता है तो ये फिर बुलाते हैं हमें, ब्रीफिंग दे देते हैं और उसके बाद अल्लाह खैर सलाम। तो सबसे इन्हें आप देखें ISI ने एडमिट, इन्हें ये अपना एक स्टेटमेंट इशू किया है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। इन्हें तो मुझे अजीब सा मुझे ताज्जुब होता है कि ISI ने ये तो कह दिया है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। कहा उन्होंने कहा वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लेकिन बड़ी नाकाफी है, नाकाफी है। तो ये तो इन्होंने कहना चाहिए था शुरू में ही कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ISI को करनी है या इन्वेस्टिगेशन हुकूमत पाकिस्तान को करनी है, सिविलियन हुकूमत को, और वो ISI से कहे कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, ये किस तरह होगा, किस तरह होना चाहिए? ये बुनियादी मसला कहाँ से पैदा होता है? स्टेट स्टेट की तरह नहीं चल रही है, स्टेट तो चलती है सिविलियन बालादस्ती के साथ। और फौज का ये ठीक है पाकिस्तान की सूरत हाल कोरिया और ताइवान की तरह है कि सिक्योरिटी स्टेट्स का थ्रेट बहुत ज़्यादा है इस वक्त और भी बढ़ गया है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी कानूनी तरीके से चीज़ों को गवर्न किया जाएगा तो मसाइल भी हल होंगे, अमन का हुसूल भी मुमकिन है, जो बुनियादी चीज़ है ना अमन का हुसूल, रूल ऑफ लॉ। मुझे नहीं मालूम किसने किया है, जो फौजी अफसरों से एक सरसरी सी बात हुई तो वो कहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ तो इतना कुछ छपता है तो हम ये तो नहीं करते। और एक साहब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने तो अपने कातिलों का नाम तक ले दिया था, तो क्या उससे ये साबित होता है कि भाई कातिल थे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर ये ISI ने किया, दो इम्कान मेरे जहन में आते हैं। एक तो ये कि बाद फौजी अफसरों के जहन में ये गलत तसव्वुर है कि वही सिक्योरिटी के मुल्क के वाहिद महाफ़िज़ हैं, वो जो फौजी अफसर यकीनन मुल्क के महाफ़िज़ होते हैं, लेकिन आम शहरी भी उतना ही मुहब्बे वतन होते हैं और अखबार नवीस भी उतना ही मुहब्बे वतन होता है। जब आप किसी ख़ास तबके को, सियासतदान को या अखबार नवीसों किसी को गैर जिम्मेदार तबका समझ लें तो फिर आपका परसेप्शन ही गलत है कि भाई उसमें बदनीयती आप तलाश कर लें। और ये अगर ऐसा हुआ है, अब ये तो तहकीक होनी चाहिए और इस पर हमें इंसिस्ट करते रहना चाहिए। उमर चीमा का वाक्या हुआ, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जर्नलिस्ट इस पर कमेटी बनाएं, ये परसू करें, परसू करना पड़ता ना, फॉलो अप असल चीज़ है। तो कहा जाता है कि वो कुछ जख्म था, कोई किसी से झगड़ा उनका हुआ था गुजराती। मैं वैसे उनसे मिला हूँ, मेरा उनका तासुर एक बहुत अच्छे आदमी का, उनके बारे में बुरी बात मैंने कभी सुनी नहीं। थोड़ा एडवेंचरिज्म उनमें मुझे लगा पाया जाता था, इमेजिनेटिव आदमी थे, जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं, जाहिर है तो जर्नलिस्ट का प्लस पॉइंट है, मगर ये कोई गैर कानूनी काम को बुरा काम। देखिए, एक जर्नलिस्ट, चंद जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में ये समझा जाता है, जो दरअसल अखबार नवीस है नहीं, प्रोफेशनल अखबार नवीस कहते हैं भाई वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है या फलां के इन्फ्लुएंस में है, लाइन लेते हैं कहीं से। ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो मैं इंसिस्ट करता हूँ बार बार कि आप छापे उनके बारे में जो काबुल में और लंदन में अमरीका में कहा जाता है कि फैसले कहा जाता है। अब ऐसे कोई लोग हैं तो भाई वो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी कितने का क्राइम कमिट हो। अब ऐसा लगता है, अगर ऐसा हुआ है कि भाई वो प्रेशर उस पर डाला गया और शायद मारा पीटा गया और उससे ये वाकया हो गया। अब भाई तफ्तीश के तो तरीके दुनिया में ये नहीं रहे, ये तो बहीमाना तरीके हैं। टेलीफोन टेप किए जा सकते हैं, निगरानी की जा सकती है, अगर ये मालूम करना था कि सोर्सेज क्या है, कोई ऐसी चीज अगर हुई थी। लेकिन ये बड़ी बहीमाना सूरत हाल है, सोसाइटी ब्रूटलाइज होती जा रही है, मजहबी ग्रोह ऐसा कर रहे हैं, उसके बड़े खौफनाक कराची के मैं मुझे इजाजत दीजिए मैं मुकम्मल करूँ। कराची में ऐसे लोग हैं जो अखबार नवीसों को डराते हैं, रिश्वत भी देते हैं, धमकाते भी हैं, मजहबी जमातें बाद प्रेशर डाल रही हैं, तालिबान तो बहुत ही प्रेशर डालते हैं। तो ये मैं जनरल कैनी से कहता हूँ कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, इस तरदीद को हम नहीं मानते बिल्कुल। और चीफ जस्टिस भी इसका नोटिस है और हमें भी
जनरल कियानी इसकी जिम्मेदारी है। जनरल कियानी की जिम्मेदारी, बहुत आपका मैं एहतराम करता हूँ, जनरल कियानी की इन्वेस्टिगेशन को हम नहीं मानते। नहीं नहीं, न माने पॉइंट पर मैं उनसे अपील कर सकता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ये तो बात तय है कि इंक्वायरी जो कमेटी होगी वो पहला बहुत अहम स्टेप होगा। इस पर बात करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी किसको चलानी चाहिए, किसको सेटअप करनी चाहिए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इसी पर गुफ्तगू हो रही है कि इसकी इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए सलीम शहजाद का जो कत्ल हुआ। हामिद, मुझे इसको मुकम्मल करने दे बात को। एक आध फिक्रा गुजारे यह है कि मैं ये नहीं कह रहा, कोई गलत फहमी ना हो जाए, जाती झगड़े का, जाती झगड़े की वजह से उन्हें कुछ चोट लगी हुई थी, आदमी को चोट लगी हो। बहुत लोगों की अक्सरियत अखबार रवीसों की ये समझती है कि आईएसआई ने ऐसा किया है, लिहाजा मैं उसकी वजह से कहता हूँ ये जनरल पाशा की, जनरल कहने की मॉरल ऑब्लिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन उस तरह होनी चाहिए जैसे होती है। चीफ जस्टिस एक ऐसे जज को नामजद करें जिसपे जर्नलिस्ट कम्युनिटी को एतबार हो, तहकीकात शफाफ होती नजर आए, और अगर ये फौज का इमेज खराब होगा, एजेंसियों का खराब होगा, मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, तो ये आखिरी अदारा है जिस पे भरोसा किया जाता है, तो ये अपने आप को बर्बाद करेगा। मॉरल नहीं है हामिद, इशू मॉरल का तो नहीं, मॉरल ये तो प्रैक्टिकल भी बात है, ये ऑब्जेक्टिव भी बात है कि अगर आपने इदारे की अपनी रखनी है साख तो फिर आप उसका नाम साफ करें। लेकिन नाज़रीन, हम ये कहते चले कि हम ये इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे कि किसने किया है, लेकिन अगर जैसे हारून रशीद साहब ने कहा कि इतनी दुनिया अगर हामिद बात कर रही है और एक इदारे की तरफ इशारा कर रही है तो उस इदारे को खुद उसके इंटरेस्ट में है। देखें कि इसकी सफाई, मैं हूं एक जर्नलिस्ट, ठीक है, मेरा एक जर्नलिस्ट कुलीग मारा गया और मेरा एक और जो जर्नलिस्ट कुलीग है हमीद हारून, उसने एक पोजीशन ले लिया, ठीक है, और हमीद हारून जो है वो इस तरह पोजीशंस नहीं लेता। हमीद हारून साहब ने अगर एक पोजीशन ले ली है, बताइए नाज़रीन को पोजीशन। हमीद हारून साहब की पोजीशन ये है कि सलीम शहजाद साहब ने अपने कत्ल से काफी दिन पहले उन्हें पर्सनली भी बताया था और ईमेल भी लिखी थी कि मुझे आईएसआई वाले थ्रेट कर रहे हैं, अक्टूबर 2010 में बुलाया था। अब वो जो जाति झगड़े की बात आती है जिस पे रहमान मलिक साहब कहते हैं कि ये जाति झगड़ा था, ये है वो एफआईआर, ये है एफआईआर जो कोहसार थाना इस्लामाबाद में दर्ज हुई थी, ये एफआईआर है। ये एफआईआर दर्ज करवाई थी सलीम शहजाद के जो उनकी बीवी के भाई हैं, भाई हमजा। ये 6 अगस्त 2010 को ये वाक्य हुआ है। इस वाकये में एक सिक्योरिटी गार्ड से तलख कलामी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड ने उनको गोली मार दी, ठीक है। मेरी इतला ये है कि इस वाकये के बाद सलीम शहजाद साहब ने इन्हीं मुतलका अदारे से राबता कायम किया और उनसे कहा कि ये मेरे साथ ये वाकया हुआ है, एफआईआर भी उन्होंने दर्ज करवाई। इसका मतलब है सलीम शहजाद उनके पास गए थे कि ये मुझे गोली मारी है, क्योंकि ये बात अकल को समझ नहीं आती। आप ये सारी पढ़ें कि जी वो तलख कलामी हुई और सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो रहमान मलिक साहब ने फोन पे भी मुझसे कहा कि जाती दुश्मनी, उन्होंने कहा इस वजह से वो कराची से माइग्रेट किए, तो मेरा ख्याल है इस तरफ इशारा नहीं करते, ही वाज रिफर, तो नहीं, कराची में उनकी कोई जाती दुश्मनी, तो मैंने ये कहा था कि दूसरी बात यह है कि ये 6 अगस्त 2010 को वाकया हुआ। नहीं, कलाम आप हमने नहीं सुना, मेरी उनके कराची के दोस्तों से बात हुई आज ही। नहीं, कोई है, कोई नहीं बात है। अच्छा, आप मेरा मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। ये अगस्त 2010 में ये वाकया हुआ, इस्लामाबाद में उन पर गोली चलाई गई, वो बच गए। अक्टूबर 2010 में वो ईमेल लिखते हैं कि मेरी जिंदगी खतरे में और मुझे फलां फलां साहब ने बुला के मुझे थ्रेट किया। बैकग्राउंड जो है सलीम शहजाद की, के उनके ताल्लुकात क्या थे, देखें जितने भी जर्नलिस्ट इस वॉर अगेंस्ट टेरर को कवर कर रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है। जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है, ऑब्जेक्टिव है, जो रिपोर्टर बाहर उसको दोनों तरफ से प्रेशर आता है। मसलन मूसा खान खैल था, उसको तालिबान कहते थे तुम हमारी मर्जी की रिपोर्टिंग करो, सिक्योरिटी एजेंसीज कहती थी आप हमारी मर्जी की रिपोर्टिंग करें, दोनों उसके खिलाफ थे और उसकी जान चली गई। और हयातुल्ला खान शुमाली वजीरस्तान वाला, उसका भी यही मसला था, सलीम शहजाद का भी यही मसला था। बिल्कुल यही मसला। सलीम शहजाद को आज से 4-5 साल पहले जनरल शौकत सुल्तान साहब ने ISPR में 3 दीगर साफियों के साथ बुलाया और उसको कहा कि आप जिस ऑनलाइन एजेंसी के लिए लिखते हैं वो रॉक से फंड लेती है, एशिया टाइम्स, ये इल्जाम लगाया एशिया टाइम्स ऑनलाइन। अच्छा, अब सलीम शहजाद साहब जो हैं, उन्होंने जब 2008 में बाजौर से एक मिलिटेंट्स के ग्रुप के साथ ट्रेवल किया और कुनड़ में गए और फिर वापस आए और फिर उसकी सारी कहानी लिखी, तो उस चीज को उस जमाने में
वेस्टर्न मीडिया ने एक्सप्लॉइट किया कि देखें एक जर्नलिस्ट ने अपना अकाउंट लिखा है, उसे साबित होता है कि पाकिस्तान से एक मिलिटेंट ग्रुप जो है जा सकता वो जा सकता है, जाके अटैक करके वापस आ सकता है। तो अब ये उन्होंने तो आप अभी भी वो अवेलेबल है उनका आर्टिकल, ये तो एक जर्नलिस्ट का एडवेंचर है। बिल्कुल। अब इस जर्नलिस्ट के एडवेंचर से किसी रियासत को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? रियासत को चाहिए कि वो ऐसे हालात पैदा करे कि कोई मिलिटेंट ग्रुप जो है वो उनके बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जाके एक्टिविटी ना करें, ना कि आप जर्नलिस्ट से जर्नलिस्ट को तुम रिपोर्ट ना करो। लेकिन मोईद ये जो इन्होंने वाक्या बताया अक्टूबर की मीटिंग का, मेरा ख्याल है जो हमीद हारून ने प्रेस रिलीज दी उसी के रिस्पॉन्स में, और अली दयान के जो थी स्टेटमेंट के ISI के कस्टडी में थे एक्सेट्रा, उसी की रिस्पांस में ISI की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जी हम तो मिलते हैं जर्नलिस्ट से और इनके साथ हमारी मीटिंग्स बड़े अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने कहा जो अक्टूबर की मीटिंग थी वो भी अच्छी वली हुई और हमने बल्कि हमने उनको बताया कि उनको क्या थ्रेट है। तो ISI ने मेरा ख्याल पहली मरतबा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन ऐसी दी है। फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा इसी पे बिल्डअप करना चाहता हूँ कि ISI को खुद किस किस्म का रिस्क है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं हारून साहब से, जनरल पाशा को और जनरल कियानी साहब को इस मौके पे ये रियलाइज करना चाहिए, हम 25 साल से इस कौम को लेक्चर दे रहे हैं या दुनिया में कागज़ लिख रहे हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ के, आप ढूंढ रहे हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपने बॉर्डर से बाहर, ठीक है। अगर आपके अपने मुल्क में ये हालात हो जाएं कि आपकी पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल, और मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के 25+ जो लड़के लड़कियां हैं, जो प्रोफेशनल क्लासेस के लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो IT एक्सपर्ट हैं, जो इंटरनेट पे एक्टिव लोग हैं, वो क्या लिख रहे हैं, मतलब आई एम शॉक्ड। उनमें से 90% का ये ख्याल है कि ISI जो है उसका इस मर्डर से कोई ताल्लुक है। हमें नहीं पता, होपफुली अल्लाह करे ISI किसके साथ ताल्लुक ना हो। ये अब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसमें बड़े रुबस्त तरीके से सामने आए, वो एंगेज करें पूरी दुनिया की ओपिनियन को और वो इसको फाइंड आउट करें कि इसके पीछे क्या है। और बड़ा आसान है, हाँ मोहित बड़ा आसान है। 29 मई की शाम को एक कॉल आई है सलीम शहजाद की मिसेज को और उस कॉलर ने कहा है कि आप फिक्र ना करें, आपका खावन जो है वो कुछ देर तक आपके पास पहुंच जाएगा। आप उनकी मिसेज का जो फोन नंबर है उस पे जो कॉल आई है उसको ट्रेस कर लें, उसको ट्रेस कर लें। अली दयान हसन, एक और पॉइंट, अली दयान हसन जो इंटरलोक्यूटर्स की बात कर रहे हैं, अली दयान ये जो बात कर रहे हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई, मेरी उनकी बेगम से 2 बजे रात को उस दिन से लेके मंगल को 4 बजे तक कोई 25 मरतबा बात हुई है। हामिद वो ये कह रही थी जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा उनके दो, ये हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि कोई कॉलर था जो कि दोस्त नहीं था, वो उन्होंने कॉल्स आ रही थी उनके दोस्तों की। नसीम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नसीम इससे ज्यादा, अली दयान हसन ह्यूमन राइट वॉच के कहते हैं कि रिलायबल रिस्पॉन्सिबल इंटरलोक्यूटर्स के जरिए उनको ये पता चला कि वो ISI की कस्टडी में है और वापस आ जाएंगे। वो इस मौके पर एक मर्डर हो गया, मर्डर इज सपोज टू बी द मोस्ट हीनस क्राइम, अब मर्डर हो गया, इस इन्वेस्टिगेशन में ISI और हमारी इन्वेस्टिगेटिव अथारे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि वो ISI के पास है। ISI का नाम क्लियर करना, और अगर इसमें जो भी मुलव्वस हैं, अगर कोई मुलव्वस भी हैं लोग, उनको एक्सपोज करना, उनको सजा देना हमारे इदारों की रिस्पेक्ट को बहाल करने के लिए बहुत जरूरी है। जब इस किस्म की चीजों को स्मोल्डरिंग लेवल में आप छोड़ देते हैं, यही चीजें इदारों और इंस्टीट्यूशन FIR बन जाती हैं। और एक मैं आखिरी, जब स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अगर आपके अपने मुल्क के लोग जो है आप पे बिलीव नहीं कर रहे, अगर वो आपके पीछे नहीं खड़े, स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो आपकी खत्म हो गई। इशू पे अगर आए हम ज़ियाउद्दीन साहब, तो ये बताइए कि इस वक्त ये फिर अजम्पशन, जो एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो कुछ लोगों ने कहा, ज्यादा ने नहीं कहा, कुछ ने कहा जी इनको तो मिलिटेंट्स ने मार दिया होगा, एक तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको हम क्या बिल्कुल रद्द करते हैं ऑफ हैंड कि ये नहीं मुमकिन? नहीं, हमें रद्द तो कोई चीज नहीं करनी चाहिए, हमें इसको एक टेस्ट केस बनाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत इस मामले में बहुत हमने स्लैकनेस बरती है, हमें ये टेस्ट केस बनाना चाहिए। और सारी मीडिया जो है ना, मीडिया के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, PFUJ है, तो उसके प्लेटफॉर्म से हमें इसको फॉलो करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और ऑलमोस्ट एट डेली बेसिस कि भाई इसमें हो क्या रहा है, इसमें डेवलप। यानी अभी शाम को मुझे खबर ये आई है कि उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो किसी से ना मिले, यानी नवाज शरीफ साहब शायद दोनों मिलने जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ना आए आप, हम पे बहुत प्रेशर है। और अभी बलूचिस्तान का एक फोटोग्राफर जो है, जिसने खरोटाबाद की जो तस्वीरें बनाई है, उस पर इतना प्रेशर है कि उसकी बीवी रात को सो नहीं सकती है। तो ये हालात जो है ना, इसको हमको कुछ ना कुछ करना, कुछ चाहिए, करना चाहिए, और इसके इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। इसमें कोई मिसाल के तौर पे ब्रेक, जादिन साहब अपनी बात खत्म कीजिए। जी, ये इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को 24 नाम भेजे हैं
कि इन जर्नलिस्टों को धमकी आई है, प्राइम मिनिस्टर को भेजिए, सदर को भेजिए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, और आप इनके सिलसिले में कुछ करें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। उनकी बेगम से जब हमारी मुलाकात हुई, इनकी जब मौत वाकई हो गई उसके बाद, तो उन्होंने हमारे से हाथ जोड़ जोड़ के ये कहा कि अब इसको आप लोग छोड़ दें, मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो सेफ रहें और मैं सेफ रहूँ, और मैं कराची जा रही हूँ, मुझे मालूम नहीं वापस आऊँगी या नहीं। और यकीनन जो भी हम कर रहे हैं, हम इस हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनका आगे फ्यूचर क्या होगा। और हम जैसे अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा, सलीम शहज़ाद का जो ख़ानदान है, जो उनके बच्चे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी उनकी तरफ ये बनती है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो, ना कि उन पर प्रेशर पड़े हमारी किसी बात से। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात इस पर हो रही है कि अगले इकदामात क्या होने चाहिए और किसको उठाने चाहिए। हारून रशीद साहब, देखिए इकदामात तो बिल्कुल वाज़े हैं, जिस चीज पर हमें जोर देना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी जी, हमारी, मैं अर्ज करता हूँ, कुछ चीज़ों पे तो हमें जोर देना चाहिए, हम भूल जाते हैं, दो चार दिन में हादसे इतने हो रहे हैं कि हम भूल जाते हैं। बुनियादी बात यह इंसानी जिंदगी की तकरीम है, रियासत जो है उसकी भी जिम्मेदारी है, शहरियों की भी जिम्मेदारी है, अदारों की भी जिम्मेदारी, सभी की, हमारी भी जिम्मेदारी, हमारा साथी था, एक ह्यूमन बींग के तौर पर इंसान जिम्मेदारी, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी। बात यह है कि माशरा जो ये ब्रूटलाइज होता जा रहा है, वहशत बढ़ती जा रही है, एक संगदिली पैदा होती जा रही है, जंगों में होता है, लेकिन इसको फेस करना होता है, इसको समझना होता है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि ठीक लोग तहकीक करें, इसको हम परसू करते रहें, इसको हम भूल ना जाएं, चंद प्रोग्राम करने, ये कैथारसिस नहीं होने चाहिए, गुस्सा निकाल लिया और भूल गए, फिर कल एक और हादसा एक के साथ पेश आएगा, दूसरे के साथ, तीसरा, और माशरा जो है ये बहुत ही पस्त सतह पे चला जाएगा अखलाक के तौर पर। कोशिश करते रहे। आप ब्रेक में कह रहे थे आप मिलिटेंट्स वाले सवाल को भी एड्रेस करना चाह रहे हैं कि क्या मिलिटेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। पहले दिन जिस दिन ये वाकया हुआ, पहले दिन मेरा ये ख्याल था कि शायद इसमें मिलिटेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए कि सलीम शहजाद, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों साइड्स उससे नाराज थे, बेशक बेशक, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि उसकी डेड बॉडी मिल गई है, फिर पता चला कि उसकी डेड बॉडी पे गोली का कोई निशान नहीं है, बुलेट का कोई निशान नहीं है, टॉर्चर किया गया है, तो जब फिर मैंने उसकी तस्वीर आ गई, जब मैं तस्वीर देखी, टॉर्चर के निशाना देखे ना, तो नसीब मुझे उमर चीमा पे जो टॉर्चर के निशान थे ना, वो याद आ गए, हमने देखा था सब। तो मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हम उसूल कहाँ से लेते हैं? उसूल हम यहाँ से लेते हैं, जंगें पहले भी होती थी दुनिया में, कई तरह के लोग उन जंगों में आए आते रहे। जब उसामा के हाथों एक ऐसा आदमी कत्ल हो गया जंग की हालत में, कि जिसने कत्ल होने से पहले कलमा पढ़ लिया था, तो रसूलल्लाह बार बार कहते थे उससे कि तुमने क्यों किया, और वो कहता था कि उसने तो बिल्कुल, वो मरने वाला था तो उसने कलमा पढ़ा, तो आप कहते थे क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था, क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था, और फिर ये कहा आसमान की तरफ देख के कि या अल्लाह मैं उसामा के इस फेल से बरी हूँ। अच्छा, देखिए ये है उसूल कि जो एक आदमी जो जिंदगी के हर हाल में हिफाजत जरूरी है, वो ठीक है। अब बात ये है कि ये जब हयातुल्ला शुमाली वजीरिस्तान वाले जब वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे कत्ल कर देंगे, अगर मैं कत्ल हो गया तो जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ, और उन्होंने उस वक्त भी कहा था ISI होगी, लेकिन वो कहेंगे कि मुझे तालिबान ने मार दिया, ये मुझे हयातुल्ला ने कहा, तो मैंने उसको और भी जर्नलिस्टों के पास भेजा इस्लामाबाद में, ताकि और लोगों को भी इस बात का पता चले। उसके बाद फिर हमने ये उस वक्त के वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव से कहा कि इस लड़के को थ्रेट है, और अगर ये मारा गया तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और मिलिटेंट्स पे ना डालना। वापस चला गया, थोड़े दिन बाद वो अगवा हो गया, तो उन्होंने कहा इसको मिलिटेंट्स ने, तालिबान ने अगवा कर लिया। कसूर उसका ये था कि उसने साबित कर दिया था कि ड्रोन अटैक्स अमेरिका करवा रहा है और फौज जो है वो नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद मूसा खान खैल हमारा जियो का रिपोर्टर था, वो भी मुझे यही कहता था कि अगर मैं मारा गया तो जिम्मेदार फौज होगी।
लेकिन जब वो मारा गया तो कहा गया इसको मिलिटेंट से मार दिया। मोहित, अगर इन चीजों की इंक्वायरी होती और अगर आप इंक्वायरी से ये एस्टैब्लिश कर देते कि जी ये किसने मारा है, तो इतना पेचीदा मसला ना होता। हालांकि लोग सुनते हुए कहेंगे नहीं, लेकिन लोग शायद कहेंगे कि आप तो बहुत ही सिंपलिस्टिक बात कर रही हैं, जो मारते हैं वो फिर सुराख तो नहीं छोड़ते। नहीं देखें, आप कहते हैं ना कि उन वाकयात की अगर इंक्वायरी हो जाती, इन्वेस्टिगेशन हो जाती, उसका कोई रिजल्ट हो जाता। दर हकीकत आप ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान के तूलो अरज में इतनी ज्यादा बुरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जितनी के है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, जो इस वक्त ये मसला कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज या मिलिटेंसी का नहीं है। इस मुल्क में अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो जिसको चाहता है उठा के मार देता है, आपको तो पता ही नहीं चलता। इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि ये एक टेस्ट केस हो, जैसे कि ज़िया साहब कहते हैं ये टेस्ट केस हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बैठे, एक सिंगल मेंबर इसका बेंच हो, जिसके सामने वो तमाम लोग इसमें जिनके ऊपर शक किया जा रहा है, जिनकी इसमें कोई निस्बत बनती है, तमाम एविडेंस, ह्यूमन राइट वॉच वाले भी हों, ISI वाले भी आए, जर्नलिस्ट भी आए, जिन जर्नलिस्टों को पहले मारा पीटा गया है और कुछ पता नहीं चला कि किसने मारा पीटा, किसने उठाया, वो सारे जाके वहां पे विटनेस दें, एविडेंस दें। और फिर ये जो मसला है कि उठा लिया जाता है, मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, कि किस लॉ के तहत से कहते हैं ऐसा होता है, इसको भी अब चैलेंज करना है। मिलिटेंट फैक्टर को आप इतना इग्नोर कर सकते हैं जितना हामिद कह रहे हैं? अहमद रशीद की किताब आपने पढ़ी है, डिसेंट इन क्योस? जी, उसमें एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने लिखा ये है कि एक पैरेलल ISI बनाई गई है जिसकी फंडिंग FC के बजट से दी जाती है, और इसमें जो मेंबर्स यानी जो स्टाफ है वो रिटायर्ड ISI के लोग हैं, जो दूसरा भी काम करते हैं लेकिन इसमें बाकायदा एक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि द ऑफिशियल ISI इज़ नॉट इन्वॉल्व, ये पैरेलल ISI। इफ़ वो जो कह रहे हैं अहमद रशीद कि किताब के बाद किसी ने डिनाइल नहीं दिया, किसी ने कोई कंट्रडिक्शन नहीं दी, वैसे ज़िया साहब नहीं दोगे, आई डोंट ट्रस्ट। देखिए, हमारा तो उसूली मुतालबा है तहकीकात, शफाफ तहकीकात, उसको परसू करना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे लिए बड़ी शर्म की एक बात की मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि हम में से किसी की भी ISI से जाती लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ISI के और फौज के अपने मुफाद में है कि इसकी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोहतरम हारून रशीद साहब ने जनरल कियानी साहब को और पाशा साहब को अपील किया है। मैं अपील किया, मैं मुतालबा करता हूँ। हाँ, मुतालबा किया आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसलिए कह रहे हैं कि नसरुल्लाह अफरीदी पिछले दिनों पिशावर में मारे गए, उनको मिलिटेंट्स ने मारा है। जरूरी नहीं कि हर जर्नलिस्ट जो मारा जा रहा है उसको ISI फौज मार रही है, वो भी मारते हैं। मसलन इब्राहिम खान बाजौर में मारे गए एक्सप्रेस के, उनको तालिबान ने मारा, ये हमें पता है। लेकिन मसला ये है कि जो पिछले 10-15 दिन गुजरे हैं, इन 10-15 दिन में नसीम जरा साहबा, ये मैं जनरल कियानी और जनरल पाशा के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्होंने कई मरतबा हमारे साथ दोपहर को 12 बजे एक बात करते हैं, 4 बजे दूसरी बात करते हैं, रात को 9 बजे उनकी बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ऐसे लगता है कि उनमें एतमाद का फुकदान है, वो कन्फ्यूज़ हैं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रवैया है, ये रवैया जो है, ये अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी में इससे उनके बारे में कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं हो रहा, और उसकी वजह से एक सर्द जंग का माहौल पैदा हो रहा है। अभी कल जो हुआ रहमान मलिक साहब के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर, ये इब्तदा है, और ये मत समझें कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी डरपोक लोग हैं। रहमान मलिक क्योंकि सिविलियन है, रहमान मलिक सिविलियन है, तो उसके खिलाफ नारे लगा दिए और हमारा कोई जिक्र नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इनफ इज इनफ। अगर आपने सलीम शहजाद के कातलों के बारे में हमें नहीं बताया, और कोई बोले ना बोले, मैं आपके जरिए बता रहा हूं, पार्लियामेंट हाउस के सामने चौक में खड़ा होकर मैं उन लोगों के नाम ले दूंगा पूरी दुनिया के सामने जिनके बारे में मुझे शक है, जिनके बारे में सलीम शहजाद को भी शक था। वही लोग उमर चीमा के केस में इन्वॉल्व हैं, वही लोग और भी मामलों में इन्वॉल्व हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए ब्लैकमेल करके हमें चुप करवा देगा, प्लीज मिस्टेकन। जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये बात बड़ी अहम है कि एक तरफ जैसे जियाउद्दीन साहब ने कहा कि जो हुआ सलीम शहजाद के साथ, हमारे कॉलीग के साथ, उसके नतीजे में लोगों में जर्नलिस्ट परेशान हुए, घबराए, लेकिन अजम जो है मेरा ख्याल है और पुख्ता हुआ है, जो सच की बात है, जो हक की बात है, जर्नलिस्ट करेंगे, और जर्नलिस्ट भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने पाकिस्तान में और लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के हवाले से। हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि ये फले फूले, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, हर सूरत पर हो, और इसके लिए हमारी जो भी हम कर सके हम करेंगे। और जहां तक इंक्वायरी कमीशन है, मेरा ख्याल है कि कम से कम
मतलब जो यहाँ लोग बैठे हैं और बाहर आपने देखा पीएफयूजे वगैरह ने भी बड़ी एक स्ट्रांग पोजीशन ली है हर सूरत पर हुकूमत को एक साफ शिफाफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के तहत करवानी पड़ेगी और हम उस पर नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।